बस्तर जिले के संजय गांधी वार्ड में रहने वाले 40 परिवार की महिलाओं से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले मकानों के नाम पर कांग्रेस के पार्षद कोमल सेना के ऊपर वार्ड के रहने वाली 40 महिलाओं ने आरोप लगाया है कि हम महिलाओं से कोमल सेना ने 2 साल पहले घर दिलाने के नाम पर 25,000 रुपए मांग लिए थे। 2 साल बीत जाने के बाद जब उन महिलाओं ने अपने दिए हुए पैसे या घर की मांग की, तब कोमल सेना ने गुंडागर्दी शुरू की। कोमल सेना का दादागिरी करते वीडियो भी पूरा शहर देख चुका है। अब यह महिलाएं 7 दिनों से प्रतिदिन बोधघाट पहुंचकर पार्षद के ऊपर FIR दर्ज करने की मांग कर रही हैं। लेकिन अब तक बोधघाट में कोमल सेना पर FIR दर्ज न होने पर भारतीय जनता पार्टी उन 40 महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कई दिनों से प्रयास कर रही है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने विगत दिनों बस्तर पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर उन्हें इस मामले से अवगत कराया था, साथ ही FIR दर्ज करने की मांग की थी। लेकिन अब तक FIR दर्ज न होने के कारण नाराज भाजपा नेताओं ने आज बोधघाट थाने पहुंचकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वहीं भाजपा नेता ने कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहेंगे। 25 जनवरी को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बस्तर प्रवास पर होंगे, उनके आगमन के दौरान विरोध प्रदर्शन करने की बात कही है। महिलाओं का कहना है कि जब हमने कांग्रेस की पार्षद कोमल सेना से अपने दिए हुए पैसे की मांग की, तब पार्षद सहित उनके पति द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया। अब इन गरीब 40 महिलाओं को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से न्याय की आस है। मैं संजय गांधी वार्ड की एक सदस्य हूं। हम लोग 2020 से उनको पैसा दिए थे और जब हम पैसा मांगने गए तो हम लोग के ऊपर हाथापाई किए और हम रविवार को यहाँ पर कंप्लेंट करने भी आए, लेकिन अभी तक हमारे कोई भी सुनवाई नहीं हुई है और अभी तक हमारा कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखे हैं। हम इस थाना के और दूसरे जगह भी जा जा के हम लोग गुहार लगा रहे हैं, परंतु हमारी गुहार अभी तक कोई नहीं सुने हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम से 10 लाख से ऊपर की राशि डकारने के बाद यहाँ के स्थानीय पार्षद को जिस प्रकार से कांग्रेसी नेताओं का समर्थन प्राप्त है इस लूट में, और जिस प्रकार 7 दिवस होने के पश्चात भी आज तक पुलिस एक कदम आगे नहीं बढ़ पाई है, यथा स्थिति 7 दिन पहले था वही स्थिति आज भी है। किस कारण से पुलिस, जबकि प्रथम दृष्टया सारे सबूत, सारे ऑडियो, सारे वीडियो पूरे शहर में वायरल है, पूरे प्रदेश में वायरल है, परंतु पुलिस की मजबूरी देखिए, कांग्रेस नेताओं के दबाव में ये 40 पीड़ित महिलाएं जो कि अपना बर्तन बेचकर, जो कि अपना रोज बर्तन धोकर जो पैसा इकट्ठे किए, अपने छोटे मोटे गहने बेचकर 25,000 रुपये इकट्ठे करके उस पार्षद को दिए, आज ठग गया है। इनका सुनने वाला नहीं है सरकार में कोई बंदा। महापौर समर्थन में खड़ी है कोमल सेना के, पूरा कांग्रेस समर्थन खड़ा है कोमल सेना के। आखिर शहर पूछना चाहता है कि क्यों इनको न्याय नहीं मिल रहा, क्या कसूर है इनका। महापौर को पहले दिन से मालूम था कि इस योजना के अंतर्गत इनको आवास नहीं मिल सकता था, क्यों 2 साल तक कोमल सेना को बता रही थी कि आवास दूंगी, जैसा कि कोमल सेना बोल रही है कि कलेक्टर भी लिख रहे हैं, सांसद भी लिख रहे हैं, वो पंजाब से आने वाले हैं। ये सारा जो खेल है ये पूरा मिला जुला खिचड़ी सब लोग ने मिल के खाई है। अच्छा, इसको नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का धरना है और तब तक चलेगा जब तक FIR दर्ज नहीं होगा। मेरा नाम छन्ना बघेल है, मैं संजय गांधी वार्ड से हूँ। हमारी जो पार्षद है कोमल सेना, 2020 से जो हमारे से प्रधानमंत्री योजना के अकॉर्डिंग जो घर देने वाली थी उसके अकॉर्डिंग वो हमसे हर एक पर्सन से 25,000 रुपये जो ली है उसके मामले में हम लोग पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने आए थे। हम लोग को 1 हफ्ता हो गया, हम पुलिस स्टेशन का चक्कर काट रहे हैं कंप्लेंट हो जाए, आज तक हमारी FIR दर्ज की नहीं जा रही है, उस कारण हम सब यहाँ जमा हुए हैं। 7 दिनों से लगातार संजय गांधी वार्ड के 40 परिवार, गरीब परिवार, जिन्होंने महापौर का नाम लिया और संजय गांधी वार्ड की जो पार्षद है उनको जो पैसा दिया है उस पर कार्रवाई करने के लगातार मांग कर रहे हैं, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन उन जो भ्रष्ट नेता है जिन्होंने पैसा लिया है उनको सह दे रही है।
मुजरिमों का साथ दे रही है ताकि वो और भी लोगों को प्रताड़ित करें, उन पर दबाव बने। शपथ पत्र में भी गरीबों ने अपना बयान दिया है, उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से इन कांग्रेस के नेताओं के साह पर काम कर रही है, कांग्रेस सरकार के साह पर काम कर रही है, ये सबको दिख रहा है। आज जगदलपुर की जनता ये जानना चाह रही है कि किस मार्फत से आज कांग्रेस के पार्षद के ऊपर FIR नहीं कर रही है। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस की पार्षद ने मुख्यमंत्री से लेकर विधायक से लेकर जितने भी नेताओं का नाम लिया है, आने वाले 25 तारीख को मुख्यमंत्री यहां पर आ रहे हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी पार्टी जो है मुख्यमंत्री का भी घेराव करेगी और गरीब परिवार को न्याय दिलाने के लिए हर जो कदम है कड़ा कदम वो उठाएगी। अब हमें पुलिस प्रशासन का प्रशासन में कोई भय नहीं है। जब तक इस गरीब परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा, पूरी भारतीय जनता पार्टी जगदलपुर से लेकर रायपुर तक की लड़ाई लड़ेगी। BN24 न्यूज के लिए जगदलपुर से धीरज मेहरा की रिपोर्ट।